गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ, एक्सरसाइज 11.3, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज अ टिप ऑफ मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, पाई इज इक्वल टू 3.14। देखिए, इस तरह की कोई क्लॉक है, सर्कुलर क्लॉक, तो इसका मिनट हैंड मान लो ये है, तो इसका मतलब दिस इज रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल 15 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर, तो 1 आवर में एक कंप्लीट राउंड पूरा करती है मिनट एंड, तो इसका मतलब हमें सर्कमफेरेंस, कंप्लीट राउंड मीन्स हमें सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करनी है, तो दिस विल बी 2 × π × r। फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 × π की वैल्यू 22/7 या 3.14, तो इस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3.14 गिवन है, इसलिए 2 × 3.14 × 15, तो 15 × 2 को मैंने 30 लिख दिया, ये कैलकुलेशन भी आपको दिख रही होगी, और 3.14 × 13, तो ये हो जाएगा 94.20, तो 94.20 सेंटीमीटर एक 1 आवर में कंप्लीट करेगा मिनट एंड। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास है एरिया बिटवीन टू शेप्स, या तो एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल्स होगा, एरिया बिटवीन टू स्क्वायर्स हो गया, या एरिया बिटवीन वन स्क्वायर एंड वन रेक्टेंगल, इस तरीके से हमें निकालना है। तो उस केस में एक एग्जांपल मैंने लिया है कि मान लो आपके पास ये कोई रेक्टेंगुलर लैंड है जिसकी लेंथ 100 मीटर है और ब्रेथ 80 मीटर है, ओके, तो हमें उसके बीचों बीच एक क्रिकेट ग्राउंड बनाना है, ठीक है, और जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है उस पर पाथ बनाना है। ये पाथ हमने बना लिया, पाथ की विड्थ दे रखी है, विड्थ ऑफ पाथ 5 मीटर है, तो हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले देखो आउटर एरिया हमारा 100 × 80 हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, 8000 m² आ जाएगा। अब मुझे इनर लेंथ, मतलब ये क्रिकेट ग्राउंड की लेंथ निकालनी है, तो ये हो जाएगा 100 − 5 − 5, दोनों जगह से 5 5 माइनस, इधर से भी 5 माइनस, इधर से भी 5 माइनस, तो 100 − 5 − 5 या 100 − 5 + 5, इस इन दो विड्थ को ऐड करके 100 में से माइनस कर लेंगे, दिस विल बी 90 मीटर। ब्रेड्थ हमारी होगी 80 − 5 + 5, अगेन दिस इज 70। तो इनर एरिया, मैंने यहां इनर लेंथ और इनर ब्रेड्थ आपको निकाल के दिखाई है, इनर एरिया हमारा होगा, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ क्रिकेट ग्राउंड, तो एरिया ऑफ क्रिकेट ग्राउंड L × b से ही होगा क्योंकि रेक्टेंगुलर ही है, 90 × 70, तो 6300 m², ओके। एरिया ऑफ पाथ हमारा होगा आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, तो 8000 − 6300, तो दिस इज 1700 m², ओके। तो ये हमारे एरिया ऑफ पाथ आ गया। अब इसी में कई बार वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ पूछते हैं, तो उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ सेकंड केस क्या है कि आउटर आपको नहीं गिवन होता, इनर गिवन होता, जैसे इनर हमारा अब की बार क्रिकेट ग्राउंड है जिसकी लेंथ 80 है, ब्रेथ 50 है, ओके, और उसके बाहर 2 मीटर वाइड पाथ है, आपको आउटर एरिया निकालना है, तो आउटर लेंथ 80 + 2 + 2 हो जाएगी, 84 मीटर, आउटर ब्रेथ हमारी 50 + 2 + 2, 54 मीटर हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आउटर एरिया आप निकाल लेंगे, ओके। अब मैं आ गया हूं, अच्छा दूसरा इसमें कन्वर्जन है एक बहुत इंपॉर्टेंट, हेक्टेयर और मीटर स्क्वायर का, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10000 m² हो जाएगा। अब हमें 11.4 के क्वेश्चंस करने, मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं रीड करके, देखो क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट, अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड, अ पाथ इज ऑफ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर। तो एरिया ऑफ पाथ और एरिया ऑफ गार्डन निकालना है, जबकि ये गार्डन 90 मीटर है और 90 मीटर विथ लेंथ और 75 मीटर ब्रेथ है, तो इनर एरिया क्या होगा, दिस इज एरिया ऑफ गार्डन L × b, 90 × 75 मीटर, तो इसको सॉल्व करेंगे 6750 m² आ जाएगा। आउटर लेंथ मतलब लेंथ ऑफ गार्डन, तो आउटर लेंथ हमारी हो जाएगी 90 + 5 + 5, ये 5 मीटर वाइड है ना, तो 5 + 5 हो जाएगा 100, ऐसे ही आउटर ब्रेथ हमारी हो जाएगी 75 + 5 + 5, 85 मीटर हो जाएगा,
देयरफॉर आउटर एरिया बहुत ही सिंपल है, 100 इंटू 85 तो 8500 8500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ पाथ, ये एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल्स है, तो हम बड़े वाले इसमें से छोटे वाले को माइनस कर लेंगे, दिस इज 1750 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ गार्डन हम निकाल, एरिया ऑफ गार्डन हमारा है, इसको बस हेक्टेयर में कन्वर्ट करना था, तो इसलिए मैंने इसको 10,000 से डिवाइड कर लेंगे। यहीं पे भी कर सकते हैं या फिर यहां पे कर लिया, क्योंकि पहले मैंने किया नहीं था तो इसलिए बाद में कर लिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, ए फ्रेम है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन, अ पिक्चर इज पेंटेड इन अ कार्डबोर्ड ऑफ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड, ओके, सच दैट देयर इज अ मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर अलोंग ईच ऑफ इट्स साइड्स, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ मार्जिन। मार्जिन का एरिया निकालना है, तो सबसे पहले आप एरिया ऑफ कार्डबोर्ड निकालिए या फ्रेम निकालिए, फ्रेम मतलब कार्डबोर्ड लिख सकते हैं इसे, कार्डबोर्ड। तो दिस इज एल इंटू बी, 8 इंटू 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आपको इसकी विड्थ दे रखी 1.5, तो लेंथ ऑफ पिक्चर मतलब पिक्चर अंदर बनी हुई, तो 8 माइनस, दो बार माइनस कर लेंगे, 1.5 1.5, तो 8 माइनस 3 हो गया, 5 हो गया। ऐसे ही ब्रेथ, 5 माइनस 1.5 प्लस 1.5, तो 5 माइनस 3 2 हो गया। एरिया ऑफ पिक्चर हमारा 5 माइनस 2 10 मीटर स्क्वायर, ओके। तो एरिया ऑफ मार्जिन होगा आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, तो हमारा ये हो गया आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन भी है, रूम के बाहर बरांडा है, तो रूम एरिया ऑफ बरांडा निकालना है, तो एरिया ऑफ रूम पहले मैंने निकाल लिया, 4 इंटू 5.5 मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। आप डायमेंशन पढ़ लोगे आपको पता चल जाएगा। आउटर लेंथ 5.5 प्लस 2.5 प्लस 2.25, तो दिस विल बी 10। ऐसे ही आउटर ब्रेथ निकल आएगी, ओके, दिस इज 4 प्लस 2.5 2.25, दिस इज 8.5, तो आउटर एरिया 10 इंटू 8.5 85 मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ बरांडा हमारा 85 माइनस 22, तो 63 मीटर स्क्वायर आ गया। अब वरांडा पे सीमेंट लगाना है, तो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग एट 1 मीटर स्क्वायर 200 रुपीज है, तो 63 मीटर स्क्वायर पे कितना पैसा लगेगा मल्टीप्लाई कर देंगे, 12,600 रुपीज ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके फोर्थ क्वेश्चन तक आप अच्छे से कर लेंगे। थैंक यू।